गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे SST की नोटबुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि नोटबुक में हम लोग आज लॉन्ग आंसर करेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन है। देखते हैं कितना लिखा पाते हैं आज, तो ये से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर F है वो से। तो लेकिन लिखाने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले, जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ, कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतने देर तक का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारा बात आपको फॉलो करना है। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, है ना। तो ये सारी बातें तो जनरल है, मैं ये बातों को रोज़ रिपीट करती हूँ, रोज़ बोलती हूँ, इसलिए ताकि आप अपनी लर्निंग को बेहतर ढंग से कर सकें। तो जो जो जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है ना, तो वो उस चीज़ की कमी को दूर करें और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से करें। खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, खूब है ना मेहनत कीजिए, और आप मेहनत कीजिएगा उसका फल अच्छा आएगा, दैट मीन्स कि उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा और आप एक अच्छे इंसान भी बन पाओगे। तो इस तरीके से चलिए पढ़ाई शुरू कीजिए, है ना। तो पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन ये सारे बातों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए हैं। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, तो नोटबुक में आपने जो भी एक्टिविटीज़ चैप्टर 15 की बनाई है, तो उसके बाद लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। रिमेंबर है, क्वेश्चन नंबर F है, हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द DESCRIBE, describe the found, FOUND, foundation and development, DEVELOPMENT, development of Mumbai. क्या बोला है, डिस्क्राइब द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुंबई, मुंबई के फाउंडेशन यानी कि नींव, मुंबई की स्थापना कैसे हुई ये, और उसका विकास, उसकी उन्नति कैसे हुई, है ना। तो हमें इस चीज़ को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है ना, उसको वर्णन में बताना है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो आपने चैप्टर में पढ़ाई है कि मुंबई की स्थापना कैसे कैसे हुई और उसकी उन्नति विकास कैसे हुआ। ओरिजिनली मुंबई वॉज इनहैबिटेड बाय
हैबिटेट बाय फिशरमैन, इधर से लिख रही हूँ क्योंकि नहीं हट सकता है, बाय फिशरमैन, फिशरमैन, देन द, देन द पोर्टुगीज, पोर्टुगीज पोर्टुगीज सेटलर सेटलर्स ओवर टुक द सिटी, ओवर टुक द सिटी एंड दे कॉल इट गुड बाय लेटर दे गेव इट अवे टू दी किंग किंग ऑफ इंग्लैंड द ओल्ड सिटी ऑफ मुंबई द ओल्ड सिटी ऑफ मुंबई वॉज अ ग्रुप ऑफ हमें क्वेश्चन को इरेज करना होगा. आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन, मतलब आंसर का जगह नहीं बच रहा है, तो आंसर की कुछ लाइन बच गई है लेकिन बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो हमें हेडिंग और क्वेश्चन को इरेज करना होगा. तो एक बार फिर से हमें हेडिंग और क्वेश्चन बता दें. क्या है हेडिंग? है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्न को उत्तर देना है. उसके बाद क्या है? वन नंबर, डिस्क्राइब द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुंबई, मुंबई के फाउंडेशन और डेवलपमेंट, मुंबई की नींव और उसके विकास का क्या कीजिए वर्णन करना है. तो इसे हम इरेज करते हैं. तो वाज अ ग्रुप ऑफ, यहां से लिख रही हूं, सेवन आइसलैंड आइसलैंड्स लोकेटेड इन अरेबियन सी, फोर सेंचुरीज एगो मुंबई वाज अ मुंबई वाज अ विलेज ऑफ मडहट. टुडे It is known as
फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे लाइन इसलिए खींचा है कि स्टार्ट यहाँ से है एंड यहाँ पे है इंडिया पे, तो मैं पढ़ के बता रही हूँ क्या है। ओरिजिनली मुंबई वाज इनहेबिटेड बाय फिशरमैन, प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में मुंबई जो बसाया गया था तो वो फिशरमैन द्वारा यानी कि मछुआरों द्वारा बसाया गया था। देन द, उसके बाद यहाँ पे देन होगा, देन द पोर्तुगीज सेटलर्स टुक ओवर द सिटी, बाद में पुर्तगाल के जो निवासी थे उन्होंने इस शहर पे कब्जा कर लिया था, एंड दे कॉल इट बॉम्बैया, जो और उन्होंने फिर इस पे कब्जा करके इसका नाम बदला, जिसको बॉम्बैया कहते थे, उनके लैंग्वेज में बॉम्बैया था, जिसका मीनिंग है गुड बाय। ओके, ये था। लेटर दे गेव इट अवे टू द किंग ऑफ इंग्लैंड, बाद में पुर्तगाल के जो निवासी थे उन्होंने क्या किया, तो मुंबई शहर को किसके इस हवाले कर दिया, तो इंग्लैंड के राजा को दे दिया, सौंप दिया। द ओल्ड सिटी ऑफ मुंबई वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी, जो मुंबई का पुराना शहर है ना, यानी कि मुंबई जो बड़ा सा मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें बहुत सारे इलाके हैं, तो जो मुंबई के जो इलाके हैं और भी शहर हैं, ओल्ड सिटी यानी कि पुरानी जो मुंबई है जिसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता है, तो वो है ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड, सातों है ना द्वीपों में से, सातों द्वीपों का एक समूह है ना, जो कि अरेबियन सी में स्थित है। 4 centuries ago, 400 साल पहले मुंबई वॉज अ विलेज ऑफ मड हट, 400 साल पहले मुंबई गांव था मड हट का, यानी कि मिट्टी की झोपड़ियों का एक गांव था। टुडे, आज के दिन में इट इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आज के दिन में मुंबई शहर हमारे भारत देश का आर्थिक राजधानी कहलाता है। तो इसका विकास आप देखिए किस तरीके से हुआ, पहले तो उन्नति हुई कि फिशरमैन ने इसे बसाया, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या था और क्या हो गया, मतलब एक झोपड़ी का गांव था, बाद में ये शहर हो गया और हमारे भारत देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है ये। अगर आर्थिक राजधानी के हिसाब से देखें तो मुंबई कैपिटल होगा, अगर सिंपल देखें तो वो क्या कहते हैं इंडिया न्यू दिल्ली होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, अब मैं इसे इरेज करती हूँ और आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और सेकंड क्वेश्चन लिखने के लिए या उसका आंसर लिखने के लिए हमें इसे वाइप करना होगा। सभी बच्चे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। ग्रुप के बाद जो है, ग्रुप के बाद ऑफ 7 आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी, इस तरीके से आप लिखिएगा। ओके, एक बार फिर से समझा दूँ। ओरिजिनली मुंबई वॉज, ओरिजिनली के बाद कॉमा है, मुंबई वॉज इनहेबिटेड बाई फिशरमैन फुल स्टॉप, देन द पोर्तुगीज सेटलर्स, क्या है पोर्तुगीज सेटलर, उल्टा हो गया, टुक ओवर होगा, पोर्तुगीज सेटलर टुक ओवर द सिटी एंड दे कॉल इट बॉम्बैया गुड बाय फुल स्टॉप, लेटर कॉमा दे गेव इट अवे टू द किंग ऑफ इंग्लैंड फुल स्टॉप। The old city of Mumbai was a group of 7 island located in Arabian Sea, full stop, 4 centuries ago, comma, Mumbai was a village of mud huts, full stop, today, comma, it is known as the financial capital of India, okay, full stop, इस तरीके से लिखिए। अब हम वाइप करके क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर लिखेंगे। आपका जो लॉन्ग आंसर है उसमें लाइन कोई लिमिट नहीं है, मतलब सेंटेंसेस का लिमिट नहीं है, डायरेक्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर देना है, उसके लिए आपको लाइन लिमिट नहीं है कि एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में, चार लाइन में, मतलब जितने लाइन में हो सकता है आंसर उतना लाइन में देना है, इसलिए आप लोगों का आंसर थोड़ा लंबा हो रहा है। ओके, लंबा जरूर है, बुक का लैंग्वेज है, इसलिए मैंने बुक का ही लैंग्वेज दिखाया ताकि आप उसे पढ़ सके आसानी से, क्योंकि आपने रीड किया ही है तो चैप्टर को, तो आपके जबान पे वो चीज पढ़ने में आ ही गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ, वॉट टाइप ऑफ
क्लाइमेट इज फाउंड फाउंड इन मुंबई. बोला व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन मुंबई. मुंबई में किस प्रकार का क्लाइमेट यानी कि आबोहवा जलवायु है ना, उसका वातावरण मौसम कैसा होता है, कैसा पाया जाता है, तो उसका आंसर हमें देना है. चलिए आंसर लिखते हैं. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड ड्यूरिंग द मॉनसून मॉनसून्स मुंबई Mumbai receives heavy rainfall. Rainfall. It is quite warm and humid in summers. Summers and pleasant प्लीजेंट इन विंटर. ओके विंटर्स. तो ये हमारा प्रश्न है मेन के क्वेश्चन का सेकंड कंप्लीट, उसका आंसर भी क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहा था, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन मुंबई. मुंबई पे मुंबई में किस प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है. क्लाइमेट मीन्स वहाँ की जलवायु है ना, आबोहवा किस प्रकार की है. तो हमारा आंसर है द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट. मुंबई का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, मतलब बराबर है, कम है. क्या है, इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना ही वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना ही वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है. ड्यूरिंग दी मॉनसूनस बरसात के मौसम के दौरान मुंबई रिसीव्स हेवी रेनफॉल. मुंबई में बरसात के मौसम के दौरान काफ़ी भारी वर्षा होती है. इट इज़ क्वाइट वार्म एंड ह्यूमिड इन समर्स एंड प्लीजेंट इन विंटर. वहाँ गर्मियों के मौसम में जब वर्षा ऋतु आने वाली होती है बरसात के मौसम से पहले, तो हल्की सी क्या होती है, गर्मी और नमी होती है. क्योंकि देखिए बारिश होने से पहले हल्का थोड़ा तेज़ गर्मी पड़ जाता है ना, हमारे इलाकों में भी आप महसूस कीजिएगा कि जब वर्षा ऋतु मतलब वर्षा होने वाली होती है, चाहे वो बारिश के मौसम में हो या ऐसे भी हो, तो थोड़ी सी गर्मी रहेगी और नमी रहेगी, तो हमें अंदाज़ा लगता है कि शायद बारिश होने वाली और होती भी है, कभी कदर ना हो, लेकिन बादल अगर आसमान में छाए रहते हैं तो उसमें तेज़ गर्मी पड़ती है और नमी वाली गर्मी रहती है, चिपचिपाहट वाली गर्मी रहती है. तो कह रहा है समर में वहाँ हल्की सी नमी
और हल्का ज़्यादा थोड़ा हल्का गर्मी रहता है और नमी रहती है एंड प्लीजेंट इन विंटर्स, और जाड़े के मौसम में खुशनुमा रहता है, मतलब ऐसा मौसम रहता है जैसे हम अपने इलाकों में हम स्वेटर वगैरह एकदम गर्म कपड़े पहन लेते हैं बहुत सारे, है ना, चाहे वो सॉक्स हो, ग्लव्स हो, है ना, कैप हो, मफलर हो, जो भी हो, बहुत सारे गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का मोटा कपड़ा आप पहन लीजिए, बस नॉर्मल है। बस रात के समय में क्या करते हैं लोग वहाँ पे, बस ब्लैंकेट वो भी पतला वाला यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ैन ऑन करके ही करते हैं, तो वहाँ ऐसा रहता है मौसम, बहुत अच्छा रहता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। बस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा जब वर्षा ऋतु आने से पहले रहता है तो हल्की सी गर्मी बढ़ जाती है, और क्या रहता है मतलब बोले ना क्वाइट वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब हल्की गर्माहट रहती है और नमी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन मुंबई, मुंबई में किस प्रकार का वातावरण यानी कि किस प्रकार की जलवायु पर ना आबोहवा पाई जाती है। तो आंसर है द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट, इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। During the monsoons, Mumbai receives heavy rainfall. It is quite warm and humid. Humid in summers and pleasant in winters. कह रहा है मुंबई का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, आबोहवा है, वो मॉडरेट है, कम है, ना ही बहुत ज़्यादा, ना ही, कह रहा है कि ना ही बहुत वहाँ गर्मी पड़ती है, ना ही वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वर्षा ऋतु के मौसम में वहाँ काफ़ी हेवी बारिश होती है, काफ़ी बारिश होती है, और अब गर्मियों के मौसम में हल्का सा गर्मी और नमी रहता है, और ठंड का मौसम एकदम सुहाना, है ना, मनोहर रहता है, प्लीजेंट रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर एफ का 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ फ्यू लाइंस ऑन द गेटवे ऑफ इंडिया। बोला है गेटवे ऑफ इंडिया पे कुछ लाइन, कुछ वाक्य यानी कि कुछ सेंटेंस लिखिए, मतलब उसके बारे में कुछ बातें बताइए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब द एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स का वर्णन करना है, केव मीन्स गुफा होती है। वॉट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इसका सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ख़ास है, ये क्यों ख़ास है, तो इसके बारे में खासियत बतानी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंबई हैज़ अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाउ, मुंबई में एक अच्छा यातायात का सिस्टम है, प्रणाली है, कैसे, तो कैसे है वो करेंगे। तो बचा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे लिखना बंद कर दी हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है जो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, आपको अगर मैं लिखा दूँ तो सिर्फ लिखाना ही ये नहीं है, मसला नहीं है, पॉइंट नहीं, इशू नहीं है, मेन पॉइंट है आपको याद करना, तो आप बच्चे कितना याद कर सके। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखकर ही आप ये सोचेंगे मिस ने कितना बड़ा लिखा दिया, कितना बड़ा लिखा दिया, बाप रे इतना बड़ा आंसर, आपको याद नहीं पाएगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। आपको जो भी होमवर्क मिले आप उसे ये सोचो कि मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। अगर आप ऐसा सोच लीजिएगा तो आप अच्छे से उस चीज़ को लर्निंग कर पाइएगा। तो इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखाने के बाद मैं स्टॉप कर रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर एफ का 2 ही क्वेश्चन याद करना है। ओके, आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर एफ ऑफ चैप्टर 15, चैप्टर 15 का जो क्वेश्चन नंबर एफ है उसे याद कीजिएगा, और जाहिर है 2 ही याद कीजिएगा क्योंकि हमने 2 ही क्वेश्चन का आंसर किया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और बचा 3 क्वेश्चन और 3, 4, 5 वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे, और जिनको शॉर्ट आंसर इस चैप्टर का नहीं याद है या वर्ड मीनिंग, वो बच्चे वर्ड मीनिंग को भी अगेन रिवाइज कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, और शॉर्ट आंसर को भी अगेन रिमेंबर कर लेंगे। क्लियर, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है प्लेइंग आउटडोर्स, अगर हम बाहर खेलते हैं तो हमारा क्या क्या है ना गुड हैबिट टिप होना चाहिए। तो आज का है डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स, क्या बोला है, डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स, खेल की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खिलौना हो या कोई भी हो, जैसे राइडिंग हो, राइड हो, सवारी हो, जैसे झूला है ना, साइकिल है, स्कूटर है ना, फुटबॉल खेलते हैं उसका कोर्ट है ना, नेट है, अगर बैडमिंटन खेलते हैं उसका नेट होता है, तो खेलने का जो भी इक्विपमेंट्स यानी कि खेलने की जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, उन सामान को हमें डैमेज, नष्ट नहीं करना है, नहीं बर्बाद करना है।
आप सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे? डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स, खेलने की कोई भी चीज़, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, बाउंड्री हो, जो भी चीज़ हो, खेलने का जो भी, चाहे वो खिलौना हो या खेल से जुड़ा हुआ जो भी सामान हो, उसे हमें डैमेज नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उसे बर्बाद करेंगे तो फिर किस चीज़ से खेलेंगे? अगर, और ये बात इसलिए आपको बोली जा रही है कि आप खेलते हो और आपको खेल बहुत पसंद है, आपका प्रिय चीज़ है, तो इसीलिए अगर हम अपनी प्रिय चीज़ का ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरे की चीज़ों का भी ख्याल रख सकेंगे और उसका वैल्यू, उसकी कीमत जान सकेंगे। ओके, तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे? डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स, खेल की चीज़ों को नष्ट नहीं करना है, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। जो होमवर्क मैंने दिया उस होमवर्क को पूरा कीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन एफ को याद कर लीजिएगा, और जिनको शॉर्ट या वर्ड मीनिंग नहीं आते, शॉर्ट आंसर या वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चे उस चीज़ को अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके, तो इन सारे होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए, सिर्फ याद करना है, और जो जो भी गुड हैबिट मैं आप लोगों को देती हूँ उसे ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। ये नहीं कि आज जो दी तो प्रीवियस क्लास वाला गुड हैबिट छोड़ दीजिए, नहीं, जब आप डे फर्स्ट से जब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब से मैंने कोई भी गुड हैबिट फॉलो किया, हर एक गुड हैबिट को आप याद करते जाइए, क्लियर, याद करते जाइए और गुड हैबिट को फॉलो कीजिए। याद करने का मतलब उसे फॉलो कीजिए, अपनाइए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका यूटिलाइज़ कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, है ना। तो इन सारी बातों को फॉलो कीजिए, होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, गुड हैबिट को कीजिए, तो आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे बच्चे बन सकेंगे। ओके, मेरी बातों को, मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।